अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो यह वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है कतर से, फोर्थ ऑरिडो राइड चैंपियन इन द मोस्ट इंक्लूसिव एवर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ऑरिडो कंपनी के द्वारा हर साल वहाँ पे एक साइकिलिंग का रेस किया जाता है, जिसमें जो इस साल भी किया जा रहा है। दोस्तों बता दूं, इसमें 1700 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें से बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द सभी लोग इसमें शामिल हैं। 3 साल से लेकर 68 साल तक उम्र वाले इसमें शामिल होंगे। दोस्तों बता दूं, इसमें जो भी इसमें जीतेगा, इसमें अच्छी खासी आपको इनाम भी दी जाती है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसका जो वेरी स्पेशल राइडिंग चीटिंग फॉर क्रेटिंग, इसमें दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसमें स्पीड जो लिमिट रख दी गई वो 30 किलोमीटर प्रति आवर, उससे ज़्यादा भी नहीं, अब उससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते हो। तो दोस्तों यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको अच्छी खासी आपको इनाम भी इस पर जीतने पर मिल सकता है। अगली खबर साथियों हमारी HMC ऑब्स्टेट्रिक ट्रीटमेंट सेंटर अमाउ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों अहमद मेडिकल कॉर्पोरेशन नेशनल ऑब्स्टेट्रिक ट्रीटमेंट सेंटर जो है उसको दुनिया की सबसे अच्छी ट्रीटमेंट सेंटर उसे कहा गया है। COVID-19 जब से आया तो दोस्तों उसके रैंकिंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा केयर करने वाला हॉस्पिटल में वो शुमार हुआ है। ऐसा बात दोस्तों, ऐसे पूरी वर्ल्ड रैंकिंग में किया गया तो सबसे अच्छी नाम दोस्तों अहमद मेडिकल कॉर्पोरेशन का आया है। तो वहाँ के दोस्तों जो प्रोफेसर शरत तहरी सीनियर कंसल्टेंट सेंटर है, उन्होंने कहा है नेशनल ऑब्स्टेट्रिक ट्रीटमेंट सेंटर वाज ओपन 2017। दोस्तों ये 2017 को ओपन किया गया, उस टाइम से लेकर आज तक दोस्तों इसकी फैसिलिटी, इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी रही है, उसकी अच्छी केयर हमेशा किया जाता है। अगली खबर साथ ही हमारी लुलू फेस्टिवल शोकेस कतरी फार्म प्रोडक्ट। दोस्तों लुलू हाइपर मार्केट के द्वारा एक वहाँ पर फेस्टिवल लगाया जाता है हर साल, 2020 के एंड तक दोस्तों ये लगाया जाएगा। दोस्तों इस साल भी लगाया जा रहा है। उसमें दोस्तों इस फेस्टिवल का नाम रहता है लुलू फेस्टिवल शोकेस कतरी। तो साथियों इस फेस्टिवल में आपको अच्छे कपड़े, अच्छे सामान, अच्छे वेजिटेबल वगैरह सारा कुछ दोस्तों आपको कम दामों में और अच्छे दाम, आपको सही चीज़ और आपको कम दामों में आपको दी जाती है। तो साथियों यदि आप शॉपिंग करना चाहते हो, मार्केट जाना चाहते हो लुलू फेस्टिवल मार्केट, तो आप जा सकते हो। बहुत अच्छी दाम में, बहुत ही कम दाम में आपको बहुत ही अच्छी चीजें आपको दी जाएगी। चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर साथियों जो आ रही है, ऑल काइंड ऑफ तंबाकू प्रोडक्ट हार्मफुल से डॉक्टर। दोस्तों तंबाकू कंट्रोल सेंटर अहमद मेडिकल कॉर्पोरेशन द्वारा बताया गया है कि जो भी लोग तंबाकू या फिर जो भी सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उनको करने के लिए खास हिदायत दी गई, उनके मना किया गया है। मना इसलिए भी किया गया क्योंकि COVID-19 को इसको बढ़ावा मिलता है और इससे COVID-19 फैलने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों सभी को बताया गया है कि वो मतलब कोशिश करें कि वो तंबाकू वगैरह या फिर स्मोकिंग वगैरह ना करें, क्योंकि उससे आपको लंग्स को भी आपको खतरा है और दूसरी चीज़ दोस्तों दूसरों को भी खतरा होगा इससे। यदि आप स्मोकिंग करोगे तो इससे COVID-19 का जो केस बढ़ने की संभावना और भी ज़्यादा वो बढ़ जाती है। तो सब साथियों यदि आप ऐसा कर रहे हो, यदि आप तंबाकू वगैरह लेते हो तो बिल्कुल मत लीजिए। यदि आप पकड़े जाओगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में आप पड़ने वाले हो, तो बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिए। यदि स्मोकिंग करते हो तो वो भी आप मत कीजिए, क्योंकि यदि आप पकड़े गए तो दोस्तों बहुत ही बड़ी मुसीबत में आप पड़ने वाले हो। अगली खबर साथियों जो आ रही है, FM मीट्स US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दोस्तों फाइनेंस जो मिनिस्टर है कतर का, उन्होंने कल मुलाकात की, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनसे कल मुलाकात की है। तो दोस्तों इनमें शामिल है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉरेन अफेयर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी साहब, जो कि US के सेक्रेटरी स्टेट के जो वहाँ के जो मिनिस्टर, उनसे कल मुलाकात की। देश के प्रति रिश्ते कैसे हो उसके बारे में बातचीत हुई है, देश तरक्की कैसे करे, दोनों में लेन देन जो होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सामान वो अच्छे से कैसे हो, इस पर दोस्तों दोनों में बातचीत हुई है। अगली खबर साथियों हमारी दोस्तों, 10 ईयर इन जेल हेफ्टी फाइन हैंडेड डाउन टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दोस्तों वहाँ पे दो लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कर रहे थे, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे। इसके लिए दोस्तों उसके लिए 10 साल की उसे सजा दी गई है और 2 लाख कतरी रियाल का उनको फाइन लगाया गया है। तो साथियों बताना चाहूँगा आपको कि यदि आप ऐसा काम करने का सोचते भी हो तो बिल्कुल भी मत सोचिए। यदि आप पकड़े जाओगे तो पूरी ज़िंदगी आपको जेल में गुजारनी पड़ेगी, ना इतना पैसे दे पाओगे, ना इतना अब 10 साल आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगा। तो फालतू के काम मत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, कम पैसे कमाइए पर खुशी से रहिए और अच्छे काम कीजिए। तो दोस्तों ये सब करने पर बहुत ही बड़ी सज़ा वहाँ पर दी जाती है। तो साथियों ये कुछ खबर थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।